बात करें दिल्ली ने तो दिल्ली में रस्ता पर नमाज पढ़ी रहेला लोगों ने ऐसा ये लातू मारी थी, जो वीडियो सोशल मीडिया में खूब भारी रीते वायरल थी रो। घटना ने पगले एसआई ने तत्काल सस्पेंड कर देवाया छे। डीसीपी मनोज मीणाए कहू के एसआई ने तात्कालिक सस्पेंड कर शिस्तभंग की कार्यवाही शुरू थी। उत्तर दिल्ली ना इंद्रलोक विस्तार में शुक्रवार बपोरे बे वागे मुस्लिम समाज ना लोको रस्ता पर जुम्मा की नमाज पढ़ी रहा था। पुलिस तेमने हटावानो प्रयास करी रही थी। आ दरमियान दिल्ली पुलिस ना सब इंस्पेक्टरे केटलाक नमाजियों ने लातो मारी ने खदेड़वानो प्रयास कर्यो हतो। आ घटना नो एक वीडियो हाल सोशल मीडिया में खूब वायरल थई रह्यो छे। स्थानिक लोकोए एसआई नी कार्यवाही नो विरोध कर्यो हतो तथा कड़क कार्यवाही की मांगणी पण करवामां आवी छे। आ मुद्दे सामाजिक कार्यकर्ता रुजान खंबाताए पोतानी प्रतिक्रिया आपी हती। जी मैडम, देशभर में किस तरह से नफरत चल रही है, आज फिर एक और वीडियो वायरल हुआ है कि नमाज पढ़ने वालों को पुलिस की तरफ से उनको मारा गया, दिल्ली का वीडियो है। जी जी। और कहीं पर भी जो है पूजा अर्चना होती है, प्रार्थना होती है, वहाँ पर उनको रोका नहीं जा रहा और टोका नहीं जा रहा है, क्या कहोगे? जी जी, सबसे पहले तो आप लोग मीडिया से, इसलिए मेरा यकीन मानना है कि आप लोगों ने ये वीडियो का फैक्ट चेक किया होगा, कोई भी वीडियो के इस तरह का, ठीक है। दूसरी बात सर, मेरा स्ट्रिक मानना दो पॉइंट पे। एक तो मैंने जो पहले भी बताया कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भले मैं जो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा मुझे करना है एज बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। सो मेरा मानना है कि सबको ऐसा करना चाहिए। दूसरा, मेरा हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है सर, बता दूँ जो दुख की बात है कि खादी और खाकी का सम्मेलन, जब भी खादी और खाकी का सम्मेलन होता है बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए आज मैं उन खादी वालों को, पुलिस वालों को, अरे खादी वालों सॉरी खाकी वालों को, पुलिस वालों को हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना धर्म निगाह, धर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका धर्म है, आपका धर्म क्या है, क्योंकि आपने शपथ ली उस कॉन्स्टिट्यूशन पर, आपने शपथ ये ली है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए सबसे पहले मेरे को उन पुलिस वालों को कहना है कि आप आपकी जॉब की परवाह ना करो, आपको आपके देश की परवाह करना जरूरी है, पहली बात है। दूसरी अगेन रिक्वेस्ट है उन खादी वालों से कि सर यही सब हमारे नागरिक है, कोई भी हो, कोई भी जात पात हो, कुछ भी हो, ये हमारे नागरिक है, हमारे इंडियंस है, हमारे लोग है। सो आपने भी अपनी शपथ ली है कि आपको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करना है, और हमें तो उनको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो लोग ने आप पे भरोसा रखा है। इसीलिए मेरे को दोनों से यही रिक्वेस्ट है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक सर भले अपने बोले देश आगे आएगा, देश आगे आएगा, लेकिन सिर्फ पैसे से देश आगे नहीं आ सकता है, हमारे इंसानों, हमारे लोगों को साथ लेने से हमारा देश आगे आ सकता है। जी तो मैडम, इस नफरत को किस तरह से मिटाया जाएगा? आप लोग जो एनजीओ चलाते हो और काफी सालों से काम जी, करते जी, हो जी, 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 रुझान खंबाता अकेली जुहापुरा क्यों आए? रुझान खंबाता के साथ दूसरी और 50 महिला आए जुहापुरा में और गेट टुगेदर हमारी महिलाओं के साथ बैठे, तो इस तरह से नफरतों को मिटाने का माहौल आप शुरू थोड़ा आपको हम करते हैं सर। हम अभी बीच में मैंने मैडम को यहाँ एसओजी का जो था स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, तो हमारी पूरी टीम थी जिसमें आप मुस्लिम लोग भी थे, क्रिश्चियन लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे, फोटोज भी है, तो हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं। हम स्लम्स में काम करते हैं तो हम पूछते नहीं कि भाई आपकी जात क्या है या आप कहाँ से हो, कौन से धर्म से, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। लेकिन सर आपका कहना सही है, क्योंकि मैंने भी ये महसूस इसीलिए किया है क्योंकि जो समाज होता है, या कई बार हम जब हमारा फाउंडेशन या एनजीओ चलाते तो हमें भी पैसों की जरूरत होती है, तो हम जब अलग अलग उसके पास जाते हैं, अलग समाज के पास, और वो मैं आपका समाज, मुस्लिम समाज भी मीन कर रही हूँ और हिंदू समाज भी मीन कर रही हूँ, तो सर दोनों समाज के लोग ये बोलते हैं कि हम हमारे समाज में देंगे। ये भी बात हमने महसूस की है, हमने सहन की है, और हम वहाँ झगड़े भी है कि सर जब हम किसी की सेवा करते हैं तो जात धात नहीं देखते। कोविड के वक्त आप देखना, सबने एक दूसरे की सेवा की, सबने मिलकर सेवा की है। ट्रस्ट में अगर ब्लड दिया है तो किसी को पता नहीं है कि मुस्लिम का ब्लड गया है, कि हिंदू का ब्लड गया है, कि क्रिश्चियन का पड़ गया, पारसी का, सबने किए। इसलिए सर जितना मेरा मानना है, मोटा मोटी, लार्जली स्पीकिंग, वाइडली स्पीकिंग, अभी भी हम सब भाई बहन की तरह रह रहे हैं। हाँ, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है मैं अग्री कर रही हूँ, लेकिन ये हम दो लोग उसको कंट्रोल करा सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकता है और एक आप और मैं कर सकते हैं। सो हम क्यों ना करते रहे, जो हमेशा हम लोग एनजीओ वाले हमेशा कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो जितना हो सकता है, बाकी फिर भगवान पर छोड़ने का कहते हैं ना, कर्म की फल, कर्म करो फल की आशा मत रखो। जी।